आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के पूर्व गृह मंत्री एवं राजपुर विधायक बाला बच्चन जी ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा चुनाव से डरती है भाजपा। शिवराज सिंह चौहान की सरकार आखिर मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव स्थगित कर दिए गए। स्थगन का बहाना कोरोना महामारी को बनाया गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि चुनाव की प्रक्रिया ही पूरी तरह असंवैधानिक थी। कांग्रेस पार्टी ने इस बात को शुरू में ही स्पष्ट कर दिया था। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने जानबूझकर पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को खत्म कराने का षड्यंत्र रचा था। चुनाव को लेकर भाजपा की नीयत शुरू से ही खराब थी और पार्टी लगातार कांग्रेस पर झूठे आरोप लगा रही थी, जबकि सच्चाई यह है कि भाजपा ने ही चुनाव रोकने का षड्यंत्र रचा था। अगर माननीय कमलनाथ जी के द्वारा बनाई गई रोटेशन प्रणाली से ही पंचायत चुनाव कराए जाते तो कोई संवैधानिक संकट खड़ा नहीं होता। हम सबके बीच में उपस्थित हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सिंह राठौड़ जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री भारत परिहार जी, नासिर खान जी, यशवंत भाई दरबार जी, उपस्थित हमारे सभी साथीगण, मैं आप लोगों का सबसे पहले हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आप लोगों के जानकारी में ला देना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव जो स्थिति जो हुए हैं अभी, इससे भाजपा का ओबीसी विरोधी और असंवैधानिक चेहरा उजागर हुआ है। पहले दिन से कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी के सारे विधायक कमलनाथ जी के नेतृत्व में बात को कहते रहे हैं कि जो 27% आरक्षण कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री रहते हुए जो दिया गया था ओबीसी को, उसके आधार पर ही चुनाव होना चाहिए। लेकिन भाजपा ने षड्यंत्र रचा कि बिना ओबीसी को 27% आरक्षण दिए बिना ही चुनाव करा दिए जाए, उसका परिणाम और उसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा। और पहले दिन से आदरणीय कमलनाथ जी ने विधायक दल की बैठक में ये तय कर दिया था कि बिना ओबीसी को आरक्षण दिए बिना चुनाव नहीं पंचायतों को होना चाहिए। देखिए, आज फैसला ये कमलनाथ जी के दबाव के कारण, कांग्रेस पार्टी के विधायक और विधायकों के कारण और कांग्रेस पार्टी के कारण भाजपा की शिवराज सिंह जी की सरकार को मध्य प्रदेश में चुनाव स्थगित करना पड़ा, और ये कमलनाथ जी के कारण ही हुआ है। जो हमने कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री रहते हुए ओबीसी को 27% आरक्षण दिया था, और शुरू दिन से हम लोगों की मांग थी कि ओबीसी को 27% आरक्षण के आधार पर ही ये चुनाव होना चाहिए, भाजपा मानने को तैयार नहीं थी। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जो इसकी हायरिंग हुई, तो भाजपा ने जो सरकारी वकील जो मध्य प्रदेश शासन की तरफ से जो खड़े करना चाहिए, वो वकील तक भी नहीं खड़े किए, उसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा। इस कारण से चुनाव अब बहाना बनाते हैं कि कोरोना के कारण हम चुनाव स्थगित कर रहे हैं, लेकिन असलियत ये है कि जो कांग्रेस पार्टी ने संकल्प पारित करवाया, कांग्रेस पार्टी स्थगन लेकर आई कि आज की विधानसभा की कार्यवाही स्थगित की जाए, और पहले यह स्पष्ट होना चाहिए कि ओबीसी को जब तक आरक्षण देने की नियत और नीति शिवराज सिंह की और भाजपा की स्पष्ट नहीं होती, तब तक चुनाव नहीं होना चाहिए। तो देखिए, आज कांग्रेस पार्टी की कमलनाथ जी की जीत हुई है, और मैं ओबीसी वर्ग के हमारे सभी भाइयों और बहनों को मैं इसकी बधाई और शुभकामना भी देता हूँ, और आदरणीय कमलनाथ जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने दमदारी से उस मुद्दे को लड़ा, और आज जो चुनाव जो स्थगित हुए, इसमें भाजपा का जो दोहरा चेहरा जो है, एक ओबीसी विरोधी और असंवैधानिक चेहरा सामने आया है, ये स्पष्ट हो गया है। भाजपा के लोग विरोध लगा रहे हैं कि कांग्रेस पिछड़ा वर्ग का लगातार उनका विरोध कर रही है, इस कारण से चुनाव में ये सब सारी होने, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं जाती कांग्रेस? नहीं, देखिए, हम लोग तो गए थे कि हम लोग तो इसके लिए गए थे कि रोटेशन होना चाहिए, परिसीमन होना चाहिए, उसके बाद जो जमींदार है उनके 1.25 लाख पद खाली है, 1 लाख के क्यों नहीं भर रहे चुनाव में, ये बात मैंने परसों जो विधानसभा में जो मीडिया रहता है, मीडिया के सामने भी मैंने इस बात को जो उठाई थी। तो ये जो सरकार जो है, 15 साल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी रहे, 2 साल ये हो गए, 17 साल हो गए, 17 साल में जो 1 लाख के पद खाली पड़े उनकी भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं, ये भी कांग्रेस का मुद्दा, और ये भी हम लोग इस मुद्दे को भी उठाते हैं। फिर जहाँ तक बात है, जैसा अभी ओबीसी के आरक्षण को लेकर उनने जो विवाद खड़ा किया है, ऐसा ही पदोन्नति में आरक्षण वाली बात भी कांग्रेस उठाती रही, 57 बार तक अपना प्रतिनिधि खड़ा नहीं किया था कोर्ट में शिवराज सिंह जी की सरकार ने, तो चारों तरफ से घिरे हुए हैं। और ये जो षड्यंत्र उनने जो रचा था कि बिना ओबीसी के आरक्षण के हम चुनाव करा लेंगे, उनकी जाल में खुद फंस गए। फिलहाल में रोजगार नहीं मिलने के कारण से त्रिस्तरीय चुनाव में उम्मीदवारी की थी, जिनसे काफ़ी उनका नुकसान होने की संभावना है, तो क्या सरकार उन्हें जो लगा था पेमेंट, चुनावी खर्चे, क्या वापस देगी क्या? ये बिल्कुल, ये शिवराज सिंह जी से पूछना चाहिए कि क्यों इस तरह का, मतलब ये जो जब भी ऐसी स्थिति बनती है, आपकी सरकारों में ऐसी स्थिति क्यों नहीं बनती, असंवैधानिक तरीके से कोई काम कराने जाओगे, संवैधानिक तरीके से आपने पंचायत के चुनाव नहीं कराए हैं,
तो वो भूखी उनको खाना पड़ी। अब मध्य प्रदेश की जनता और जो जीते जो प्रतिनिधि जो चुनाव लड़ना चाह रहे थे, चाहे पंच हो, सरपंच हो, जनपद प्रतिनिधि, जिला पंचायत के मेंबर, ये सवाल हम लोग खुद भी कांग्रेस के विधायक के नाते, मैं भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं भी उनसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये जीतों का जितना जो खर्च लग जा चुका था इस पर इनको इस पर ध्यान देंगे। ये सारे जो मुद्दे हैं, तो जब कभी भी इसी अव्यवस्थाएं जो फैलती है, असंवैधानिक तरीके से आगे बढ़ने की भाजपा कोशिश करती है, तो भाजपा को मुंह की खाना पड़ती है। हमने तो हमारे इरादों को, कमलनाथ जी ने जिस तरह से जो 2019 में मुख्यमंत्री रहते हुए जो एक रचना रची थी कि ग्राम पंचायत के चुनाव संवैधानिक तरीके से हो, रोटेशन परिसीमन के हिसाब से हो, ओबीसी के आरक्षण के हिसाब से हो, एसटी एससी सर्वहारा वर्ग को जिनको जहाँ जिस क्षेत्र में जो आरक्षण मिलना चाहिए वो होना चाहिए, हमने 2019 में कर दिया था वो, लेकिन हमारी सरकार जाने के बाद में 2014 पर ले गए। तो ये तो सबको समझ में आता है कि हर 5 साल में इसमें परिवर्तन होता है, रोटेशन परिसीमन में, आरक्षण में, तो ये इन्हें क्यों नहीं किया, ये सवाल उनके सामने खड़ा और हम भी इसको पूछ रहे हैं। और ये हमारे स्थगन लाने से ही विधानसभा में कांग्रेस पार्टी स्थगन लाई, फिर आदरणीय कमलनाथ जी ने ये बोला है कि ठीक है आपने सुप्रीम कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में अपना प्रतिनिधि और अपना वकील खड़ा नहीं किया, ठीक वो वहाँ का मुद्दा है, लेकिन आपकी नीयत अगर साफ है तो यहाँ संकल्प पारित होना चाहिए। और कमलनाथ जी ने ये बोला था कि मैं आपके साथ में हूँ, तो ये हमारा स्थगन लाने से कांग्रेस पार्टी के विधायक दल की बैठक में तय होकर कि ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए, 27% बिना आरक्षण के चुनाव नहीं होना चाहिए, और इस कारण से ये हुआ। और ये इनको कांग्रेस पार्टी ने रोटेशन परिसीमन में नहीं होने के कारण, ओबीसी को आरक्षण नहीं देने के कारण कांग्रेस अन्य कई लोगों ने ये कोर्ट में ये याचिका लगाई थी, और इस याचिका को लड़ने के लिए हमारे जो राज्यसभा सांसद जो है वो खड़े हुए थे, और उसके बाद ही व्यवस्था जो आई थी। लेकिन हमारा ये कहना कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपना वकील खड़ा क्यों नहीं किया, अगर वकील खड़ा किया जाता और अपना मतलब अपनी बात अगर सरकार रखती वकील के माध्यम से, तो स्थिति नहीं आई। पहले दिन से भाजपा ने षड्यंत्र रचा हुआ था कि मध्य प्रदेश को पिछले वर्ग के जो कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण देने का मुख्यमंत्री रहते हुए आरक्षण देने का तय किया, वो हमको नहीं देना है, इस कारण से स्थिति बनी। लेकिन आज उनको मुंह की खाना पड़ी, और जो अध्यादेश लाई थी बीजेपी पंचायत राज से संबंधित, देखिए उसको भी आज कैबिनेट में उसका भी प्रस्ताव पारित करके उसको भी वापस लेना पड़ा। और अब जो हमारी जो मांग है, कमलनाथ जी की जो मांग थी कि रोटेशन परिसीमन और उसके बाद जो आरक्षण जो होना चाहिए पिछड़ों को, और उसके बाद सभी वर्गों को उसका आरक्षण मिलना चाहिए। लास्ट टाइम अगर मान लो कि जो सीट कोई महिला के लिए थी तो पुरुष की होना चाहिए, पुरुष की जगह महिला की होना चाहिए, तो एक रोटेट होना चाहिए आरक्षण भी। और परिसीमन 1200 ग्राम पंचायतों को किया था, उसको ये नहीं मान रहे थे। इनका ये था कि हम वर्ष 2014 के अनुसार ग्राम पंचायतों को हम चुनाव कराएंगे, और हमारी इसमें ये मांग थी कि जो हमारी सरकार बनी थी और 5 साल बाद में जो परिसीमन में आरक्षण में जो रोटेशन जो होता है उसके आधार पर इलेक्शन होना चाहिए। और आज देखिए कमलनाथ जी की और कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है, और ओबीसी को और सबको सर्वहारा वर्ग को जो जैसा जहाँ जो है उनको उसका आरक्षण मिलेगा। तो ये जो हमारी इसमें जीत हुई, आधा चुनाव का प्रचार चालू हो गया था उसके बाद अचानक ये निरस्त हुआ है, क्या अब लगता है नुकसान भी हुआ? बताना चाहता हूँ, मुझे याद है जब मध्य प्रदेश में भाजपा के जनसंघ की सरकारें जो हुई है, तभी ग्राम पंचायत के चुनाव या स्थानीय निकायों के चुनाव तभी दिक्कतों में पड़े हैं। मैं भी 1992 में, मुझे ध्यान है, मैं राजपुर जनपद से चुनाव लड़ रहा था, 10-12 दिन बचे थे और सुंदरलाल पटवाजी मुख्यमंत्री थे, सारी प्रक्रिया हो गई थी, ग्राम पंचायत के सरपंच के, जनपद प्रतिनिधियों के, जिला पंचायत के पंचों के, सबके फॉर्म भरा गए थे, चिन्ह आवंटित हो गया था, कैंपेनिंग स्टार्ट हो गई थी, और उसके बाद पटवाजी ने अपना फरमान जारी किया कि चुनाव स्थगित किए जाते हैं पंचायतों में। और अब जो शिवराज सिंह जी की सरकार है वो तो देख लीजिए भाजपा की सरकार रहते ये हुआ है। तो जब गैर कांग्रेसी सरकारें मध्य प्रदेश में होती है तब तक इस तरह की दिक्कतें आती है, और इसलिए मैंने ये कहा कि भाजपा का दोहरा चेहरा उजागर हो रहा है जो पंचायत चुनाव स्थगित करने से। सर फिलहाल में जो बेरोजगारों की स्थिति चल रही थी उसमें मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कोई भी भर्तियां नहीं निकाली गई थी। सुन लीजिए आप, लगभग 1,25,000 से अधिक कि ठीक है आपने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में अपना प्रतिनिधि और अपना वकील खड़ा नहीं किया, ठीक वो वहाँ का मुद्दा है, लेकिन आपकी नीयत अगर साफ है तो यहाँ संकल्प पारित होना चाहिए। और कमलनाथ जी ने ये बोला था कि मैं आपके साथ में हूँ, तो ये हमारा स्थगन लाने से कांग्रेस पार्टी के विधायक दल की बैठक में तय होकर कि ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए, 27% बिना आरक्षण के चुनाव नहीं होना चाहिए, और इस कारण से ये हुआ। और ये इनको अध्यादेश भी वापस लेना पड़ा और इनको हटना पड़ा पीछे। और अभी कोरोना की बात है, कोरोना के लिए सरकार अपना इंतजाम कराए,
कोरोना कोरोना का जो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसकी जो प्रोसेस होती है उसको फॉलोअप कराएं। तो ये हमने पहले दिन से अपनी बात स्पष्ट कह दी थी आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, जो मैं भी आप लोगों को बता रहा हूँ। और हम लोगों की तरफ से आदरणीय हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी की तरफ से, हमारी तरफ से एक लिखित में भी प्रेस नोट हम लोग जो जारी कर रहे हैं। क्या चुनाव आता तभी कोरोना भी आता है क्या? हर बार कुछ न कुछ चुनाव तभी कोरोना वायरस लेके आते हैं, क्या इन्हें सूचना करता है क्या कुछ? आने वालों की सरकार है, बिल्कुल हम आपकी बात से सहमत हैं। हाँ। और इसका जवाब शिवराज सिंह जी को और भाजपा की सरकार को देना पड़ेगा। जी धन्यवाद।